रंग रंगीला हरियाणा चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि हिसार लोकसभा सीट विदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जीतेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 ग्राम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचार की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह दे दी। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी, जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया, और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला। चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला, चाहे कोरोना काल से मिला, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया था ना, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी भी किसी किस्त में थी, मेरे 4.5 साल में लोगों को भी पहचानना था। जो गलती हुई है आगे वो गलती भी होने दें। अगर किसी साथी को तो मेरी कई बात या मंच पर बैठे किसी के व्यक्ति की कई बात से कभी दुखा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है ताकत नहीं होती, मुट्ठी बंद हो जाती है उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज सारे लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतर कर आज से संकल्प ले लो। ये दूध सखिया बैठी है, मेरी माताएं बैठे, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो, और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की किसान की, उसको जगह मिली। यह आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव, ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत आठ जाएगा, डॉक्टर जैसे वगैरह भी हार जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे, मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले हमें उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है, तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता। और आपने मजबूती दिखा दी, तो साथियों हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम करना है। चौधरी चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाए, एक एक साथ या रात भागकर डॉक्टर चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर उसको जिताने का काम करें। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे अगर आप लोग साथ खड़े हो तो। 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत लगन आपने दर्शाई, मैं तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम,
काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते भी रहेंगे, जगाते भी रहेंगे, काम करते रहे। और मैं तो स्टेज पे आया था, अनुप जी स्माइल दे रहे थे, मैं कहा अनुप जी बुद्धि से टूट गई, इसलिए कुछ होकर कहा सरकार में तो कई चीज रह सकती है, बोल भी नहीं सकती। आज मैं ये बोल सकता कि जैसे पिछले से पीढ़ी आजाद होती है, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बहुत कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का तारा भी चाबी खोलेंगे। प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।